एक बार सुरपति दरबारा ऋषि मुनिन को जुड़ो अखाड़ा। इंद्र का दरबार लगा हुआ है, विश्वामित्र वशिष्ठ जी बैठे हैं। जब किसी का परिचित जी बच्चा अच्छे कार्य करता है तो उसे नाज होता है अपने बच्चे के ऊपर। तो वशिष्ठ जी बोले, मेरा शिष्य जो है वो 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहा है। विश्वामित्र बोले, अरे तुम झूठा की बात कर रहे हो, जो झूठ पे झूठ बोलने वाला सत्य पे कब से चलने लगा है? बोले सुनो, कि सत्य होता है प्रतियोता है, पर सीमा सबकी नदियों की बात छोड़ो, तालाबों में भी बाढ़ आ जाती है, है? सोना क्या खूब चमकता है जब तलक दिखाओ आज नहीं, बाबा ये तुम्हारे घर की बातें भी जांच नहीं की गई। वशिष्ठ जी बोले, महाराज तुम्हारे मन जो अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। आप हमारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो? बोले ठीक है। विश्वामित्र ने एक सूकर का रूप धारण किया, हरिचंद की फुल बगिया को उजाड़ दिया। जब माली ने मारा तो माली की गंगा को फाड़ दिया। माली रोता पीटता हुआ हरिचंद के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज? हाँ, आप यहाँ बैठे हो क्यों? क्यों का बाग में एक सूकर आयो महाराज तो ये जंगल में जंगली जानवर आते रहते हैं महाराज। हाँ, हमने उसे रोकना चाहा। हाँ महाराज, बड़ा गजब की बात है, काल में ही जांग फाड़ जा रही। क्या हाल का महाराज? हमने खून निकल कम से कम 15-20 का। एक बात सुनो माली, अभी तुम घर के लिए जाओ। अरे घर के लिए जाओ, हमारा टाइफाइड मलेरिया बुखार सब बन गया, जाओ खून निरोध करियो, हमें लगा था कच्चे है जान में महाराज। तुम्हें नहीं मालूम है मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है। अरे संध्या को वक्त, अरे दुख मत दीजिए रे काऊ को, दुश्मन आ गए द्वार पे,
वक्त अपने दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए परीक्षित जी तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम बात के लिए लौट जाओ, क्योंकि संध्या के वक्त अगर दुश्मन भी अपने दरवाजे पर आता है तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए। अभी तुम ऐसा करो, बात के लिए चले जाओ, और जैसे ही सुबह होगा मैं सारी सेना तैयार करके बात के लिए चले आएंगे। सारी जैसे ही सुबह हुआ मंत्री से कहा, मंत्री ओए सेना तैयार है, सेना सब तैयार, लेकिन हमें छुट्टी दे दे। क्यों छुट्टी दे दे? क्यों छुट्टी चाहिए? हमारी अम्मा की सास की नंद की जिठानी की बहू खत्म है गई, हो जाएगी पागल हो गए हो महाराज, पेट में सेवा तो दे दो। तुम्हें एक बात नहीं मालूम, जिस किसी के आगे से सूकर निकल गया उसे सजाई मौत दी जाएगी महाराज। हाँ, काल के आगे सूकर निकलेगा तो भाई सजाई मौत दी जाएगी, और तुम्हारे आगे निकलेगा तुमने कहा करे महाराज को बता। अरे जब निकलेगा तब देखेंगे। चलो महाराज कहू धोखे में निकलेगा तो फिर बताओ कब तक खतरा निकलवा तुमने। अब बताया गया, सारी सेना को तैयार किया कि आज माई पलटी